वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी हिंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें साइंटिस्ट तथा इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी के लिए रिक्रूटमेंट जारी हुआ। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं और इसकी एक एक करके सारी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिस पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल नोटिस है जिसमें इसकी सारी एलिजिबिलिटी हम देखते हैं। तो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 14 मार्च 2020 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 3 अप्रैल 2020 तक ये फॉर्म चलेंगे। तो चलिए इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी और कौन कौन सी पोस्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली पोस्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर SD इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी टोटल 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो PhD होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, तो साइंटिस्ट इंजीनियर SC फिजिक्स की है। इसके लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो MSc इन फिजिक्स विद फर्स्ट क्लास 65% मार्क्स होने चाहिए। और तो अगली वैकेंसी की बात करें तो है साइंटिस्ट इंजीनियर SC कंप्यूटर की, इसकी टोटल 2 वैकेंसी हैं। और इसके लिए अगर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ME या MTech कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइंस या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगली वैकेंसी की बात करें तो साइंटिस्ट SC कंप्यूटर की है, इसकी भी 1 पोस्ट है और इसकी भी एलिजिबिलिटी वही रहेगी। तो इसके अगली वैकेंसी की बात करें तो साइंटिस्ट इंजीनियर SC इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इसकी टोटल 7 पोस्ट हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो MEMTech इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो अगली वैकेंसी की बात करें तो साइंटिस्ट इंजीनियर SC मैकेनिकल की है, इसकी टोटल 6 वैकेंसी हैं। और इसके लिए ME या MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। तो अगली वैकेंसी है साइंटिस्ट इंजीनियर SC स्ट्रक्चरल की, तो इसके लिए टोटल 1 पोस्ट है और इसके लिए ME या MTech होना चाहिए स्ट्रक्चरल या सिविल इंजीनियरिंग से। वो अगली वैकेंसी है साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए टोटल 1 पोस्ट है और इसके लिए ME या MTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो अब बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इसके लिए टोटल वैकेंसी की बात करें 2 वैकेंसी नई निकली हैं और 2 वैकेंसी पिछली हैं, तो टोटल 3 वैकेंसी हैं। और इसके लिए अगर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। तो अगली वैकेंसी की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की है, इसकी 1 पोस्ट है और इसके लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो अगली वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकल असिस्टेंट, और इसकी टोटल 1 पोस्ट है, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसकी अगली वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की, 1 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बी की, तो इसके लिए टेक्नीशियन बी फिटर की है, टोटल 6 पोस्ट हैं और इसके लिए आपका हाई स्कूल प्लस ITI फिटर में होना चाहिए। तो अगली वैकेंसी है टेक्निकल बी टेक्नीशियन बी मैकेनिस्ट की, इसके लिए टोटल 3 पोस्ट हैं और इसके लिए भी ITI हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए। तो अगली वैकेंसी है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो टोटल इसकी 7 + 3 = 10 पोस्ट हैं और इसके लिए भी ITI होना चाहिए यांत्रिक या रेडियो एंड TV इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगली वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन बी इंफॉर्मेशन की है, इसके लिए टोटल 2 पोस्ट हैं और इसके लिए अगर हम इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगली वैकेंसी की बात करें प्लम्बर की है, इसके लिए टोटल 1 पोस्ट है, इसके लिए भी ITI होना चाहिए। इसके अगली वैकेंसी टेक्नीशियन बी कारपेंटर की, तो इसके लिए 1 पोस्ट है और इसके लिए भी ITI होना चाहिए। तो फिर इसके अगली वैकेंसी है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल और टेक्नीशियन बी केमिकल, इसके लिए सभी के लिए हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, पोस्ट कोड 1 के लिए सैलरी आपकी 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये रहेगी।
पोस्ट कोड 2 से 8 के लिए 56,100 से 177,500 रुपये रहेगी, और पोस्ट कोड 9 से 12 तक 44,900 से 142,400 रुपये रहेगा, और पोस्ट कोड 13 से 21 तक 21,700 रुपये से 69,100 रुपये रहेगा। बात कर लेते एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं लगेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों आपके पास ये एक अच्छा मौका है इसमें जॉब इसरो में जॉब पाने का, तो आप इसे बिल्कुल भी ना गवाएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।